पता है एसईओ सीखने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है कि थ्योरी तो हमारे पास बहुत सारी है, चाहे हम नेट पे देख लें या फिर बताने वाले भी बहुत सारे हैं, लेकिन जब रियल लाइफ की बात करें तो काम कैसे करना है ये कोई नहीं बताता। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी मेरे साथ एग्री करेंगे इस बात पर कि प्रैक्टिकल नॉलेज होना उतनी ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना कि हमें एसईओ के बेसिक्स पता होने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं जो प्रैक्टिकल सेशन है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जब भी आपके पास एसईओ प्रोजेक्ट आए तो उसको शुरू कैसे करना है, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर क्या होगा, फिर कैसे हम उसकी प्लानिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसका बेसिस मैंने हमारी ही एजेंसी को लिया है, विच इज़ वन ऑफ द लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया। सो जो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से चीज़ें मिली हैं मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको ये वाली जो वीडियो का कॉन्टेंट है वो डिलीवर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WsCubeTech चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी आपके पास कोई एसईओ का प्रोजेक्ट आए तो उसकी क्या आउटलाइन रहेगी, या फिर मैं कहूँ कि हाउ डू यू स्टार्ट एन एसईओ प्रोजेक्ट, एक एसईओ प्रोजेक्ट आप कैसे शुरू कर सकते हैं और कैसे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वैसे ये हमारा कंप्लीट कोर्स चल रहा है जहां पे मैं आपको एसईओ से रिलेटेड एक एक चीज सिखाऊंगी। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहां पर सारी वीडियोस, मतलब डेली दो वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो डेली दो वीडियोस आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। तो मेक श्योर आप उस प्लेलिस्ट को भी सेव करके रखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये जो आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे ये मिलेंगे कैसे। देखिए, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी की डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है पूरी आप खुद हैंडल करें, पहला पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि आप कोई कंपनी नहीं बल्कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप ज्वाइन करते हैं, तो उस एजेंसी में आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आएंगे और उन प्रोजेक्ट्स पर आपको काम करने के लिए दिया जाएगा, तो वहां से आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है। तीसरा काम कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। मैं एक वीडियो जरूर लेकर आऊंगी जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि एज एन डिजिटल मार्केटर आप कहां कहां से फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, तो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट भी आप किसी का हैंडल कर सकते हैं, या फिर अगर अभी आपको प्रैक्टिस के लिए कोई प्रोजेक्ट चाहिए तो वो भी आप अपनी एक डमी वेबसाइट बनाकर और अपना काम शुरू कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो ये कुछ तरीके से आपको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। अब प्रोजेक्ट जब हमारे हाथ में आता है तो सबसे पहले क्या करें, तो जी सबसे पहला आपका जो गोल रहेगा वो रहेगा कि जो भी आपको प्रोजेक्ट मिला है, प्रोजेक्ट मतलब कोई बिजनेस मिला है, कोई वेबसाइट मिली है, उसके नीश को समझना, ये समझना कि वो बिजनेस किस बारे में है, क्या उस बिजनेस के गोल्स हैं, जो आपका क्लाइंट है यानी उस बिजनेस का, उस वेबसाइट का ओनर, वो आपसे यानी एसईओ एक्सपर्ट से क्या एक्सपेक्ट करता है। उसके अलावा टारगेट लोकेशन क्या है, हो सकता है आपके पास कोई क्लाइंट आए और कहे कि मुझे एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली का एग्जांपल लेती हूँ, वो कहता है कि सिर्फ मुझे दिल्ली के अंदर ही मेरे बिजनेस को बूस्ट कराना है या रैंक करवाना है। एक पर्सन आता है कहता है कि मुझे दिल्ली और मुंबई, दो सिटीज यानी दो बड़ी सिटीज भी हो सकती हैं, दिल्ली और मुंबई में मुझे टारगेट करवाना है, या फिर कोई पर्टिकुलर स्टेट, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान की बात करते हैं तो पूरे राजस्थान में आपको रैंकिंग दिलानी है, या फिर एक पर्सन कहता है कि मुझे ऑल ओवर इंडिया में मुझे रैंकिंग चाहिए, या फिर एक पर्सन कहता है कि मेरी तो ब्लॉगिंग वेबसाइट है या मेरा ऐसा बिजनेस है जो मैं पूरी दुनिया में कहीं भी डिलीवर कर सकती हूं या कर सकता हूं, तो आप क्या करेंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या करेंगे, उसकी रैंकिंग को बढ़ाएंगे। बिजनेस को समझने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अभी जो करंट पोजीशन है वेबसाइट की, यानी करंट रैंकिंग क्या है उस वेबसाइट की, उसके अलावा अभी करंट ट्रैफिक कितना है, क्योंकि आप कंपैरिजन कैसे करोगे। मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पर काम कर रहे हो, उस पर पहले मंथली 200 का ट्रैफिक था, आपने 2000 कर दिया, तो आप कैसे ये चीज प्रूव करोगे कि आपने कितने परसेंट ग्रोथ लाई है। तो आपको इनिशियल तौर पे भी यानी एसईओ प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले भी उस वेबसाइट की परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना जरूरी होता है, जिससे जब आप एक अच्छी रैंकिंग लेकर आ जाएं, अच्छे विजिटर्स लेकर आ जाएं, ज्यादा ट्रैफिक वेबसाइट पर लेकर आए, तो आपके पास कंपेयर करने के लिए कुछ हो। जब हमें बिजनेस की कंप्लीट नॉलेज हो जाती है, हमें समझ आ जाता है कि वो बिजनेस किस बारे में है, क्या उस बिजनेस का ओपी है यानी सबसे स्ट्रांग पॉइंट क्या है उस बिजनेस का और कैसे हम उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं, और स्पेशली एसईओ में, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है कीवर्ड रिसर्च, कि उस बिजनेस से रिलेटेड
कीवर्ड्स निकालना, इसीलिए मैंने बोला टारगेटेड लोकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टारगेटेड लोकेशन को ही ध्यान में रख के हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है, इसके लिए आगे आपको बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, एकदम डेप्थ में कई तरीकों से मैं आपको कीवर्ड रिसर्च करवाने वाली हूँ। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कीवर्ड रिसर्च होने के बाद में अब देखिए, हर कंपनी का, हर एजेंसी का अलग तरीका होता है। कुछ एजेंसीज जो होती हैं, कुछ कहीं पर आप काम करेंगे तो हो सकता है वहां पर क्लाइंट से अप्रूवल के लिए कीवर्ड्स भेजे जाएं, तो आप या तो क्लाइंट को भेजेंगे कीवर्ड्स चूज करने के लिए, या फिर अब क्लाइंट को ऐसा नहीं है कि हमारे पास 1000 कीवर्ड निकले, हमने 1000 कीवर्ड भेज दिए, ऐसा नहीं होता। उसमें से हमें जो लगता है, जैसे मान लीजिए 10 कीवर्ड्स हमने सेलेक्ट किए और हमें लगा कि ये सबसे बेस्ट कीवर्ड्स हैं, इनका हमने सिलेक्शन किया है, उसमें से आप क्लाइंट से चूज करवा सकते हैं। लेकिन बहुत सारी एजेंसीज में ये अप्रोच फॉलो नहीं की जाती, वहां पर जो SEO एक्सपर्ट, SEO एग्जीक्यूटिव या फिर SEO मैनेजर, वो खुद ही ये काम करता है, खुद ही कीवर्ड सेलेक्ट करता है और क्लाइंट को जो क्लाइंट के लिए बेस्ट है वही उसको सजेस्ट करता है। तो दूसरा हमारा स्टेप हो गया कीवर्ड रिसर्च। जब कीवर्ड रिसर्च हो जाती है तब हम एनालिसिस करते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स का, कि मान लीजिए अगर मेरा एक डिजाइनिंग शोरूम है और उसकी वेबसाइट मैं आपके पास लेकर आती हूँ और मैं बोलती हूँ इसे रैंक करवाओ, तो और मैं बोलती हूँ कि दिल्ली के अंदर ये रैंक होनी चाहिए, तो दिल्ली में और ऐसे कौन से डिजाइनिंग शोरूम्स हैं या फिर कौन से ऐसे डिजाइनर्स हैं जो कि हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, या फिर जो भी हमने कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं उन पर वो रैंक कर सकते हैं या फिर रैंक कर रहे हैं। तो अपने कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने के काफी सारे टूल्स मैं आपको बताने वाली हूँ और बहुत सारे तरीके भी बताने वाली हूँ इसी पूरे कोर्स में। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। एंड कॉम्पिटिटर एनालिसिस में हम ये जानेंगे कि वो किस तरह से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं हमारी वेबसाइट को, क्या उनका ओपी है, क्या कीवर्ड्स वो पुट कर रहे हैं और बेसिकली उनकी अप्रोच क्या है, वहां से हम कुछ आइडियाज लेंगे। कॉम्पिटिटर एनालिसिस के बाद हम अपना SEO का प्रोसेस शुरू करेंगे। वैसे तो तरीका ये होता है कि ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों एक ही साथ किए जाते हैं वेबसाइट पर, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप एक वन मैन आर्मी है, यानी एक ही पर्सन, सोलो पर्सन है जो कि उस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑन पेज यानी कॉन्टेंट ऑप्टिमाइजेशन पर काम करेंगे, वो चीज जो कि हमारे कंट्रोल में है, ऑन द पेज हम SEO करना शुरू करेंगे, और साथ साथ में हम ऑफ पेजेस यानी जो हमारे सोशल लिंक्स हैं, हमारे बैक लिंक्स हैं, उनको भी क्रिएट करते रहेंगे। ऑन पेज में हम क्या करेंगे, टेक्निकल पॉइंट हम कौन से कवर करेंगे, ऑफ पेज में हम क्या करेंगे, इसके लिए ढेर सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, एक भी चीज मैं मिस नहीं करने वाली हूं, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल SEO अच्छे से करने के बाद में आप अब जाएंगे डेटा की तरफ, कि आपने कितनी प्रोग्रेस अचीव की है, आपने क्या अचीव किया है, कितने मंथ में कितने विजिटर्स आपके आए हैं, कितना कन्वर्जन हुआ है, यानी अब हम फोकस करेंगे एनालिटिक्स पर और उसी के अकॉर्डिंग हमारी आगे की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। यानी बेसिकली अब हमारा काम आएगा कि जो भी हमने रैंकिंग हासिल की है उसे मेंटेन करके रखना और उसे आगे से आगे ग्रो करते रहना। जैसा मैंने हमेशा बताया कि SEO एक प्रोसेस है, यानी ऐसा नहीं कि एक बार आपने SEO कर दिया और उसको छोड़ दिया, हो गया काम, नहीं, SEO कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो आप क्लाइंट को भी आप बार बार यही बताएंगे कि SEO एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और अगर आप इस रैंकिंग, मान लीजिए फर्स्ट रैंकिंग आ गई, लेकिन उस फर्स्ट रैंकिंग पर टिके रहना काफी सालों तक, ये हमारा मेन गोल होगा। जब तक हमारी ब्रांड नहीं बन जाती कि लोग सिर्फ हमारे ब्रांड से ही जाने, तब तक हमें SEO करते रहना होगा। अब डेटा को मेंटेन कैसे किया जाए, कैसे मॉनिटर किया जाए, कैसे एनालिटिक्स को यूज करके स्ट्रैटेजी बनाई जाए, इसके लिए भी मैं आपके लिए काफी सारी वीडियोस लाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको एक आउटलाइन दी है कि कैसे आप SEO का प्रोजेक्ट शुरू करके बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं अपने क्लाइंट को। अब मैं आने वाली वीडियोस में एक एक चीज जो अभी मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी है वो चीजें, उसके अलावा बहुत सारी चीजों पर, बहुत सारे फैक्टर्स पर हम बात करेंगे। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर कुछ भी सीखा हो। थैंक यू सो मच।